देख लेते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? या आई कैन सी द स्क्रीन। ओके, तो व्हेन वी स्टार्टेड आवर सब्जेक्ट वी रिसर्च की व्हाट इज एन इक्विवेलेंट टर्म फॉर हीलिंग। सो इक्विवेलेंट टर्म इन संस्कृत फॉर हीलिंग, चिकित्सा 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 तो उसके अर्थ डिफरेंट होते हैं। मेडिकेशन, चिकित्सा तो मेडिकेशन हो गया ना, ट्रीटमेंट बोलते हैं। आज आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है मुझे। एक मिनट, चिकित्सा इज अ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? चिकित्सा इज मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। करेक्ट। हीलिंग के इक्विवेलेंट संस्कृत में देखो 45 टर्म्स, तो देवर ट्रीटिंग हीलिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स। आई शेयर ऑल दोज नेम्स, संस्कृत के जो जितने भी नाम हैं, बट उसमें एक टर्म जो मेरे को कहीं पर स्ट्राइक होता है, इस पर विष्यति, क्या चीज? विष्यति, विष्यति, स्पेलिंग बताइए। BHISHJAY, JYATI। PHY, ये BHY। BHI, जो भी आप, BHY, भिष्यति, भी षटकोण वाला श, आधा ज, य, ति। भिषज, भिषज कहते हैं उसको। हाँ, हाँ भिषज, हाँ भिषज्यति, नमस्कार। हाँ सो भिषज जो है इज अगेन वन ऑफ द टर्म्स इक्विवेलेंट फॉर हीलिंग। बट यस। लाइक भिषज देर आर, मतलब इफ आई विल से इक्विवेलेंट टर्म्स, जैसे इंग्लिश में हीलिंग कहते हैं, तो व्हाट आर द अदर टर्म्स पर्टेनिंग टू हीलिंग। उसी तरीके से जब हम संस्कृत में देखते हैं, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 45 टर्म्स मिले मुझे। आई शेयर दैट लिस्ट, और वो हर एक का मीनिंग जो है वो हीलिंग था। तो देर आई रियलाइज कि देर 45 अप्रोचेस फॉर हीलिंग, विच वॉज उस उन सब में मैंने जब देव विपाश्चर्य मंत्र चिकित्सा इसको आइडेंटिफाई करा, तो मुझे इष्कृति एक टर्म मिला। तो जब मैंने इष्कृति, इष्कृति, मैं एक सेकेंड, इष्कृति जो शिवा का, जो बोलते हैं ईशान वाला ईश। एब्सोल्युटली इष्कृति। हाँ इष्कृति, सो इश कहते हैं बेसिकली विश, और कृति है क्रिएशन। तो जब मैंने उसको देखा, तो मुझे ये इसमें ये सबसे क्लोजेस्ट रेलेवेंस इसका समझ में आया कि जब हम किसी भी चीज का विश करते हैं, तो वो क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या चीज विश करें जो क्रिएट हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, आई से कि ये सामने वाला जो है मर जाए, तो पर वो नहीं मरा। बट जब मैंने उसको ब्लेस करा कि इसका बहुत अच्छा हो जाए, और मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो चीज हो गई। बहुत सारी जगह कर्सेस भी मैंने देखे, जो लोगों ने बोला है वो सफल हो गए। बहुत सारी जगह ब्लेसिंग्स जो हैं वो सफल हो गई। सो देर आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो संस्कृत में स्ट्रक्चर जो था, वो था इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छा, क्रिया, और ज्ञान,
इसको कि हम लोग त्रिगुणात्मक शक्ति भी बोलते हैं, महात्म्य में, देवी महात्म्य में महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी। एब्सोल्युटली, पर ये ऑर्डर नहीं है उसमें, उसमें ऑर्डर है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो जब मैंने ये पूरा पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका ऑर्डर जो है वो इच्छा, क्रिया और ज्ञान है। तो जितने भी ऑथर्स थे मैंने जिनका भी ये पढ़ा, तो उसमें नाम नहीं याद आ रहा, एक बहुत फेमस ऑथर था, उसने संस्कृत में बहुत सारी, संस्कृत हिंदी वाली बहुत सारे ट्रांसलेशन बुक्स लिखे थे। तो उनके यहाँ भी जो ऑर्डर लिखा हुआ था वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया लिखा हुआ था। तो जब मैंने मेरे इच्छा। गुरुजी को बोला कि ये मैंने तंत्राज तंत्र में और इसमें जो ऑर्डर देख रहा हूँ उसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान मुझे समझ में आया, मैंने सोचा, बोले नहीं ये सही है, ऑर्डर यही होगा। अब अगर आपके पास में एक फिक्स्ड ऑर्डर डिफाइन हो जाता है तो आप उससे स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट इच्छा किस तरह से मूव करती है, तो उसको थ्री थ्री को 3/3 किया जा सकता है, देयर यू गेट ए स्ट्रक्चर। तो जब मैंने इस प्रकार से देखा तो मुझे समझ में आया कि हम जब कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। अब जैसे संस्कृत में च और छ जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है त और क्ष का, तो ये टर्म बन जाता है इतिक्षा। क्रिया जो है मैंने मेरे तरीके से उसको लिखा श्रिया करके। और ज्ञान जो है मैंने उसको लिया टर्म संज्ञान के तौर पे, मैंने ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं ये लेवल 1 का पार्ट है। वैसे तो बेसिकली मैंने ना ज्ञान को डिफाइन करा, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। रिपीट कीजिए एक बार। क्रिया और ज्ञान। नहीं, आई एम सेइंग मैंने सबसे पहले ज्ञान टर्म को ही डिफाइन करा। ज्ञान हमारे यहाँ जो है वो डिफाइंड फॉर्म में नहीं पता चल रहा था। मतलब इफ आई आस्क फॉर कि व्हाट इज द वर्ब, वर्ब नहीं सॉरी, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच एसोसिएटेड विद ज्ञान, सो इट इज नॉट डिफाइंड। सम से इट इज नाउन, प्रोनाउन, लाइकवाइज। तो देर आर वेरिएशंस इन दैट एस्पेक्ट। तो जब मैंने इसको पूरे को स्टडी करा तो मुझे लगा कि ज्ञान हमारे यहाँ जितना भी वैदिक कॉन्टेक्स्ट यूज होता है दैट इज कंसिडर्ड एज, क्या कहेंगे उसको, नॉलेज। हम जो जो उसका लिटरल मीनिंग, मतलब इंग्लिश वर्ड जो है वो नॉलेज के तौर पर है। तो नॉलेज इज नाउन प्रोनाउन, या उसको क्या डिफाइन करेंगे, देयर वर गुड नंबर ऑफ एम्बिगिटीज अटैच्ड टू इट। इन सम प्लेसेस इट इज कॉल्ड इवन एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ऑल्सो इज नॉलेज। नॉर्मली इट इज एडजेक्टिव बोलते हैं उसको, नॉलेज को। तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करके डिफाइन कर रहा था तो मैंने बोला जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे इसको, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके उसके बीच में जो संबंध नहीं देख रहा उसको अज्ञान कहते हैं। तो एक ज्ञान हो गया टर्म, एक विज्ञान हो गया, एक अज्ञान हो गया, एंड द लास्ट टर्म इज जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जो संबंध को प्रयोग करे उसको संज्ञान कहते हैं। ठीक है सर, अब यहां पर ज्ञान जो है इट बिकेम रिलेशनशिप। तो अगर मैं नए या फ्यूचरिस्टिक सिस्टम में आईटी सेक्टर को ऑब्जर्व करूंगा तो डेटा आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लीजिए उससे कोई फायदा नहीं है। द मीनिंगफुल डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अदरवाइज वो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कहानी होती है। एब्सोल्युटली। तो वहां से ये पूरा स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हुआ, बिकॉज कुछ लिटरल टर्म्स जो थी वो वेस्टर्न सिस्टम में कभी ट्रांसलेट ही नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेस्टर्न सिस्टम जो है उसमें थॉट जो है वो कभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। और हम जैसे बोलते हैं आनंद, आनंद को भी कभी ट्रांसलेट नहीं कर सके उन लोग, बिकॉज दे कॉल इट ब्लिस, हैप्पीनेस, व्हाट एवर इट इज, जॉय, बट आनंद इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन बेसिकली। राइट। तो हमारे यहाँ जितना भी ये काम हुआ उसमें हमारा जो कोर स्ट्रक्चर था उसको बाकी चीजों से जब कंपेयर करा गया बाकी भाषाओं से और उसमें, तो वो एक सेकेंडरी अप्रोच रहा। मतलब संस्कृत का भी जो डेवलपमेंट था वो प्राइमरली इंडो यूरोपियन ही कहकर उसको एड्रेस करते थे, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो ब्रिटिश थे। तो वो कभी भी ये चीज सुनो, तो वर्ल्ड लीडर्स जो थे उनका जो बेसिक अप्रोच था वो सिर्फ यही था कि वो अपनी सुपीरियॉरिटी बताने के चक्कर में ये पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट करते गए, एंड दैट्स हाउ दी थिंग्स गॉट चेंज्ड। मेरा जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने यहाँ जितना भी, मतलब एक तो एलोपैथी थी और एक जो है वो कैम कैटेगरी थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस वर्ल्ड ओवर जो है वो पांच पार्ट में बटा हुआ था, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस, माइंड बॉडी इंटरवेंशंस, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड एनर्जी मेडिसिन। सो वर्ल्ड ओवर यूएस ने कैम को अपने यहाँ जब डिफाइन करा, वो एलोपैथी के काफी टाइम के बाद में कैम कम्युनिटी करा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज थी जिनको कैम में सॉल्यूशन था, एलोपैथी में सॉल्यूशन नहीं था। तो उन्होंने वो ब्रॉडर डेफिनेशन में ये पांच पार्ट में चीजों को यस कर दिया। जब इन पांच पार्ट में यस करा और मेरे पास ये आया तो मैंने देखा कि इसमें कहीं भी आत्मा और बीज मंत्र ये दो टर्म्स नहीं थी। तो आयुर्वेद का एक पार्ट होता है दैव उपाशरय चिकित्सा। तो दैव उपाशरय चिकित्सा के बारे में, मतलब हम आज की तारीख में देश में 1 लाख के करीब BMS क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने ये रियलाइज करा कि ये पूरा प्रोसेस जितना भी चल रहा है उसमें दैव उपाशरय चिकित्सा सबने सुन रखा है,
लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली किसी ने भी वो मंत्र, चिकित्सा और बाकी सारे एस्पेक्ट्स, और जो उसके बारे में नॉलेज भी है वो नहीं है। फिर मैंने जो है वो 6 के करीब रिसर्च पेपर लिखे, सो दैट कि मैं मेरे सब्जेक्ट की थ्योरी तो डिफाइन कर सकूं कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि लोगों की तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं थी, और जब तक वो इंटरप्रिटेशन इंक्लूडेड नहीं होगी, कैम भी उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो एक तो मेरे देश का सिस्टम हो गया जिसमें कि आयुर्वेद, योगा, ये सारे के सारे चीजें आती हैं। एक चाइनीज सिस्टम हो गया। अब आयुर्वेद और चाइनीज सिस्टम को अगर आप जोड़ते हैं तो एक की अप्रोच जो है वो आस्तिक फिलॉसफी के ऊपर है, एक की अप्रोच नास्तिक फिलॉसफी के ऊपर है। आस्तिक और नास्तिक में फर्क क्या होता है? डू आई कंसिडर दैट देर इज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? यस तो आस्तिक दर्शन, नो तो नास्तिक दर्शन। ये मूलभूत फर्क हो गया। तो अब जब मैं क्रिएटर को देखता ही नहीं, उसको कंसिडर नहीं करता, तो मेरे प्रोसेस में आत्मा का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा सिर्फ क्रिएटर का ही वो है रिफ्लेक्शन, और उसी जगह आके सब कुछ फेल हो जाता है। कि जहां वो आत्मा रिलेटेड बात आई, तो जो जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफी को बिलीव करते हैं वो सारे तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो मेरे को ये 5 सब्जेक्ट किसी भी व्यक्ति को अगर पढ़ाने हैं तो मैं सिर्फ इसमें आत्मा और बीज मंत्र एडिशनल कर दूं, मैं पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर सकता हूं और पूरे प्रोसेस को एक ही तरीके से सिखा भी सकता हूं। तो दैट इज दी वेरिएशन विच वी आर गोइंग टू ब्रिंग। नाउ ऑन दिस स्लाइड वी हैव डिफाइंड कि ये जो 5 अप्रोच थी जिनको उन्होंने एक्नॉलेज करा था, उसके बेसिस पे कौन कौन सी डिजीजेस ऐसी सामने आई थी जिनका की सॉल्यूशन निकला। फॉर एग्जाम्पल, रेकी का डेवलपमेंट तब हुआ जब इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो एलोपैथी रिजॉल्व नहीं कर रहा था। नेचुरोपैथी जो है वो डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन थेरेपी, चाइनीज हर्बल मेडिसिन, इस तरह की चीजों को जोड़ जोड़ के। सो दीज वर ऑल द डिजीजेस जिनका की सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो सॉल्यूशन उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर थेरेपी के अंदर ढूंढा। तो उन्होंने उस थेरेपी को अप्रूव कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक थेरेपी, इससे बाइपोलर डिसऑर्डर एड्रेस हुए। अब वेस्टर्न सिस्टम का जो म्यूजिक है और ईस्टर्न सिस्टम का जो म्यूजिक है, उन दोनों के अंदर वेरिएशन है। तो मैंने एक एक पार्ट को देखा कि क्या मैं ये सारी की सारी चीजें एड्रेस कर सकता हूं। अगर मेरा फिलॉसफी या अप्रोच ठीक है तो वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा है माइंड बॉडी इंटरवेंशन। अगर मैं इसको माइंड बॉडी और सोल इंटरवेंशन करता हूं, हाउ मच डिफरेंस डज इट मेक? तो ये मैंने बेसिकली प्रेजेंट कैम और जो न्यू कैम जिसको मैं प्रपोज कर रहा हूं, उसके तौर पे मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। कि एक जो है होल मेडिकल सिस्टम जो है, चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इनकी बजाय वो वाला सिस्टम जिसमें कि मंत्र चिकित्सा इनकॉर्पोरेट हो। और मंत्र चिकित्सा एक दफे इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एलोपैथी तक को इंटीग्रेट करके एक स्ट्रक्चर में डाल सकती है, कि एलोपैथी एक सबसेट हो जाएगा आउट ऑफ द एंटायर अप्रोच। क्योंकि वो फिलॉसफी विजन ही चेंज हो जाता है। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो वाइटल फोर्स बेस्ड प्रैक्टिसेस बन जाती हैं। बिकॉज बायोलॉजी जो है वो, मतलब जितना भी मेडिकल साइंस है मेडिसिन बेस्ड, वो बायोलॉजी रिलेटेड हो गया। बट अगर हम, और उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे बोलेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेस्ड डिस्कशंस होंगे हमारे कि ये केमिकल प्रोसेस होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स।
बट हम वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स नहीं लगा रहे, नेचर के लॉज को कंसिडर नहीं कर रहे। तो जब हम उसको कंसिडर करेंगे तो इट विल बिकम वाइटल फोर्स बेस्ड प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस। हम टर्म यूज कर रहे हैं एनर्जी मेडिसिन, मैंने टर्म बनाई इंफॉर्मेशन एनर्जी मैटर मेडिसिन। मैंने एक मंत्र बोला, वो मंत्र मैंने लिखा, आपने उसकी एनर्जी लिफ्ट कर ली, तो वो उस मंत्र की एनर्जी थी ना, उस थॉट की एनर्जी थी, उसके अल्फाबेट्स चेंज करते ही उसका एनर्जी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो कोर जो था वो एनर्जी नहीं था, कोर इंफॉर्मेशन था। हमारे यहाँ तीन, मतलब इंफॉर्मेशन को कहते हैं सत, एनर्जी को कहते हैं रज और मैटर को कहते हैं तम। तो ये सत रज और तम की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस जो थी दे बिकम राइट। तो हमारा जो सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था, माइंड बॉडी इंटरवेंशंस बिकम माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशंस। तो ये हमारा एस्पेक्ट जो है, अच्छा वो शायद मैंने लेवल 2 में लिखा होगा। तो नॉर्मली मैंने ये सारा कुछ करने के बाद में एक लाइन बनाया, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस विच गवर्न्स द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल। एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस विच गवर्न्स द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल। द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस इज डिवाइन। बताया एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज अक्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस Which governs the course of action of one single particle? अब इसको वैसे देख लेते हैं, मतलब एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस विच गवर्न्स द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल। द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस इज डिवाइन। ठीक है सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि, और ये मेरा प्रैक्टिकली टेस्टेड है, मैं एक दफे किसी से बात कर रहा था पर्टेनेंट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने बोला कि देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो फॉरेन बॉडी होती है जो आपकी बॉडी में इन्फ्यूज करी जाती है, तो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ब्रेक द इम्यून सिस्टम। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन लगाया जाता है वो आपके इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर देता है, सो दैट कि वो इंटेलिजेंस ही बॉडी से अलग हट जाए कि ये फॉरेन है पार्टिकल या नहीं है। अब जब मैंने इम्यूनिटी को ब्रेक कर दिया, फिर उस इम्यूनिटी को वापस क्रिएट करना मुझे नहीं आता, इसलिए कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी मैपिंग टाइम लेती है एंड एट टाइम्स नहीं भी होता, एट टाइम्स नहीं भी होता, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो नहीं सक्सेसफुल होते। तो जब मैंने इस प्रोसेस को देखा तो मैंने कहा कि इसका मतलब मैं अपने शरीर को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मान रहा हूं, तो मैं उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में हर चीज को एड्रेस कर सकता हूं।
यहाँ पर क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, ये चीज मेरा बुखार है, तो मैं मेरे सिस्टम को जब डिफरेंटली देखूंगा और उसको कोई कमांड बोलूंगा तो भी वो ठीक हो रहा है। एंड दैट्स हाउ मंत्र चिकित्सा में मेरा इंटरेस्ट डीप रूटेड होता चला गया। इसमें प्रश्नोपनिषद का पार्ट है, वो थोड़ा बाद में करेंगे। ये लेवल वन में यही पार्ट था जो मेजरली मैंने देखा था। ये ज्यादातर चीजें लेवल वन की जो हैं वो डॉक्टर आरती वाली हैं, बट क्योंकि आपको ऑलरेडी प्राणिक हीलिंग आती है तो आप एनर्जी स्कैन वगैरह करने के तौर पे कौन कौन से पार्ट को एज ए प्रोटोकॉल डॉक्टर आरती कंसिडर करती है इन टर्म्स ऑफ इंटेंस हीलिंग, दैट विल शेयर एज एन इंफॉर्मेशन। वो अभी आरती का सेशन एक दो सेशन के बाद में रखेंगे। This is what they also do in Falun Gong. जो Falun Gong जो sect था, they were using mostly the scanning method which was banned by the Chinese government. Basically, ये करते थे उन लोग. They used to do the scanning. They said, no need to go to for surgery. You can do lot of healing through that. But they were persecuted in China, saying that you are questioning the modern medicine medical system. तो मैंने सर क्या देखा कि मैंने जब रेकी का कोर्स करा पहले, तो रेकी जो है वो पूरी कुंडलिनी के सिंबल के अराउंड ही इवॉल्व कर रही थी। कुंडलिनी का पूरा पार्ट मुझे संस्कृत में एक टेक्स्ट बुक था, शारदा तिलक, तिलक तो मुझे उसमें जो है वो शारदा तिलक के अंदर कुंडलिनी का स्ट्रक्चर मिला। तो इत्तेफाक क्या हुआ, मतलब मेरे साथ एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने तंत्र राजतंत्र और शारदा तिलक ये पहले पढ़े, और रेकी और प्राणिक मैंने बहुत बाद में करे। तो मतलब मुझे कुंडलिनी पता था, उसके बाद में मैं रेकी करने गया तो मैंने देखा कि पूरी रेकी जो है वो कुंडलिनी के ऊपर इवॉल्व थी। वो चौकोरे एक सिंबल के तौर पे वो लेकर चलते थे, बाद के सारे सिंबल तो बहुत बाद में बने। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये कुंडलिनी से ही सारे काम करवा रहे हैं। फिर मैंने उससे पहले जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जब मैंने उसको उसी तरह से करके देखा तो वो मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ। जब मैं प्राणिक हीलिंग करने गया तो मैंने वो एनर्जी स्कैन वगैरह जो है वो कर लिया। जब मैंने एनर्जी स्कैन करा तो वो बंदे जिससे मैंने सीखा था उसने बोला कि आप जो है ये प्लांट से बात करो। मैं बैठ गया, मैंने प्लांट से बात करी। ई सेड आपने क्वेश्चन करा, उसने आंसर करा। मैंने कहा हाँ कर दिया। तो बोले आपने अब क्या सोचते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक प्लांट से बात करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे बात ही करनी है तो मैं मेरे चक्रास से बात करूं। तो जो सिस्टम मेरे भीतर है, बाहर का सिस्टम क्या है वो तो ठीक है, मैं मेरे भीतर के सिस्टम से बात करूं ना। तो बोले मैंने कभी ट्राई नहीं करा, आप ट्राई करना, हो सकता है कुछ बहुत मीनिंगफुल निकले। उस दिन रात को पता नहीं मैंने ध्यान लगाया तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मेरे चक्रास से बात करनी है, और दो तीन बार कुछ मुझे फील तो हुआ बट नथिंग वेरी कॉन्क्रीट। उसके बाद जब मैं अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर को देख रहा था तो वो पूरा अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसने मेरे को पूरा सिस्टम बताया, एंड एक बिल्कुल नए तरीके का स्ट्रक्चर मेरे सामने आ गया। दिस वॉज द स्ट्रक्चर विच एमर्ज टू मी। मैं पढ़ रहा था संस्कृत का न्यास, एक मैं संस्कृत का न्यास पढ़ रहा था, और न्यास पढ़ते पढ़ते मैंने सारे अल्फाबेट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब कहीं भी इस तरीके से अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट नहीं था एक्सेप्ट तंत्र राजतंत्र। उसमें भी फर्क क्या था, ए आई ओ औ ऊपर वाली लाइन में लिखे थे, ऐसे नहीं लिखे गए थे।
बट ये अल्फाबेट्स का एक स्टार्टिंग पार्ट था। इसमें ऊपर का जो स्ट्रक्चर है हया वराला इंक्लूड करते हुए, ये इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम कहते थे स्वर। और ये क ख ग घ जो है, इतने पार्ट को हम कहते थे अस्वर। ठीक है जी। अब ये स्वर और अस्वर जो है, इस अस्वर को जब मैं दुर्गा सप्तशती वहां साउथ इंडियन प्रोसेस में पढ़ रहा था, तो इसको कहते थे प्राण। असुर प्राण को कहते हैं। मतलब स्वर और अस्वर जो है वो टर्म बेसिकली, सांस हम बाहर भीतर जब करते हैं तो वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशन फिनोमिनल है। जैसे तो मैं अ को कहीं तक ले जाऊं, लेकिन क जो है वो एक पॉइंट पे रूटेड है। तो वो रूट्स जो थी, वो 25 रूट्स थी मेरे भीतर, जहां से वो साउंड एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट होती थी। वेरेज ऊपर वाला जो सेट था, जो स्वर वाला जो था, वो फिनोमिनल था। मतलब आ है या ई है, तो वो चलता जाता था। तो जो किसी मीडियम पे नहीं रुकता था वो स्वर था, और जो मीडियम पर जाकर ओरिजिनेट होता था उसको अस्वर कहते थे। एंड दैट वाज द अप्रोच। बट वो अस्वर जो है वो प्राण जनरेशन पॉइंट्स थे। अस्वर जो थे वो प्राण जनरेशन पॉइंट्स थे। अब क्या हुआ कि किसी ने सिस्टम में, और ये स्वर से बनी टर्म सुर, अस्वर से टर्म बनी असुर। असुर किसी ने इस प्रोसेस को विभत्स कर दिया कि सुर जो है वो बहुत सुंदर है और असुर जो है वो बहुत खराब है। जब ये प्रोसेस मेरे सामने आया और ये सुर खराब है और असुर अच्छा है, ये सारी की सारी चीजें चली, मैंने देवता को नहीं देखा, मैंने दैत्य दानव भी नहीं देखे, पर मैंने ब्लाइंडली उसको खराब कह दिया। मेरे यहां जितना भी टेक्स्ट है, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैं एक दिन अपनी बेटी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि राहु ये काम करता है, केतु ये काम करता है, शनि ये काम करता है, मंगल ये करता है। वो छूटते ही मुझे कहती है कि ये तो खराब होता है ना। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया ये चीज कि ये खराब होता है? मैंने कहा मेरे हॉरोस्कोप में ये पॉइंट्स ऑफ नॉलेज है, ये नॉलेज मेरे को मिली ही राहु की वजह से है। अगर मेरे हॉरोस्कोप में राहु इस तरह से प्लेस नहीं होता तो मेरे को ये नॉलेज नहीं पता चलती। तो वहां से मुझे पता चला। अच्छा, समुद्र मंथन जब मैंने पढ़ा तो समुद्र मंथन में देवता और दैत्य करके उन्होंने सामने ला दिया, और सामने लाने पर वो पूरा प्रोसेस जो है ये बताने लग गया कि ये समुद्र मंथन। बट बेसिक एक्नॉलेजमेंट वही था कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आपके सामने हैं और वो साथ साथ काम कर रही हैं, तभी तो चर्निंग होगी। तो जब वो चर्निंग मुझे समझ में आई, मैंने कहा ये चर्निंग तो रई के लिए टर्म यूज हो रहा है। तो एक प्राण था, एक रई था, वो मुझे अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से देखने को मिला, बट वो था सब जगह। प्रॉब्लम टैबूज की थी। हमने वो टैबू जो है उसको ऑब्जर्व ही नहीं करा कभी। अब उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं।
अ ई उ री लिरी, फंडामेंटल साउंड्स हो गई। अ प्लस अ आ, ई प्लस ई ई, उ प्लस उ उ, री प्लस री री, लिरी प्लस लिरी लिरी। सो इससे ये एमर्ज हो रहा है। आप म्यूट है। अ प्लस ई ए, अच्छा अ प्लस ए आई, तो मैंने इसको इससे जोड़ा और ये बन गया, इसको इससे जोड़ा और ये बन गया। अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ औ, एंड लाइकवाइज ये मेरा स्ट्रक्चर था। नाक से उच्चारण करा तो अंग, मुंह से उच्चारण करा तो आह। एंड लाइकवाइज ये मेरे 16 स्वर जो हैं ये फॉर्म हो गए। अगर मैं आ और री करूंगा तो अर टर्म बनती है, ऐसे करके। आ और लिरी करूंगा तो अल टर्म बनती है, जो आप मुसलमानों का अल्लाह सुनते हैं वो अ और लिरी का ही कॉम्बिनेशन है, जिनसे उनका टर्म अल्लाह बनता है। एंड दैट्स हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस। उसके बाद अ प्लस अह, ई प्लस अह य, उ प्लस अह व, री प्लस अह र, लिरी प्लस अह ल। सो मेरे हाय वाले आ गए। फिर श श स जो था उससे मेरा टर्म आया, एक टर्म आया संस्कृत में कोश। और एक टर्म आई कोश। तो मैंने क्वेश्चन करा कि ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, एंड आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देयर, जहां पर चीजें रखने से इकट्ठी होना बताया जाए, कलेक्शन बताया जाए, तो वो ऊपर वाला कोश है। जहां कलेक्शन होने के बाद क्रिएशन होना शुरू हो जाए उसको नीचे वाला कोश कहते हैं। जैसे व्हेन आई यूज द टर्म शब्दकोश, शब्दकोश थेसारस या डिक्शनरी को कहते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ इकट्ठा हो रहा है। नीचे वाला जो टर्म जो है उसमें इकट्ठा होने के साथ साथ जो है वो उत्पन्न भी हो रहा है, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं अर्थकोश, फाइनेंशियल रिजर्व्स। फाइनेंशियल रिजर्व्स इकट्ठे होने पर बढ़ते भी हैं, उनमें उत्पत्ति हो रही है। हिंदी में एक टर्म आता है, मैं जब उसको देख रहा था श के प्रयोग को, एक मेरे को एक दफे बड़ी छींक आ रही थी, एक टर्म आई मेरे सामने खडबिंदु तेल, कि ये छींके जो आ रही है इनको अगर रोकना है तो वो नाक में जो है वो खडबिंदु तेल डालो। अब जब मैंने उसको खडबिंदु तेल की वो पढ़ा, नाम पढ़ा, तो वो लिखा हुआ था ऐसे षड करके, षडबिंदु तेल। आई सेड लिखा तो श है और बोल ख रहा है, तो मैंने क्या करा, ये श को ख से रिप्लेस कर दिया, तो हिंदी की टर्म बन गई। क्या बनी हिंदी की टर्म, कोक उसका मतलब क्या होता है, गर्भ, जो उत्पन्न करता है, हाँ गर्भाशय। जो उत्पन्न करता है। तो वो शा का खा होना जो है अपभ्रंश तो हुआ लेकिन मीनिंग नहीं चेंज हुआ, इट ऑल्सो डिनोटेड द सेम मीनिंग। तो देर आई रियलाइज कि मेरे सिस्टम में अल्फाबेटिकल प्रोसेस जो है
उसमें बहुत छेड़छाड़ हुई, बट वो छेड़छाड़ जो है उसने मुझे जिस प्रोसेस से कनेक्ट करा, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ही मैं वर्ड और मीनिंग के तौर पे यूज करता था। तो मेरा जब ये स्ट्रक्चर बना तो मैंने इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहां पर लिखा स्काई, सॉरी यहां लिखा एयर, यहां लिखा फायर, यहां लिखा अर्थ, यहां लिखा वाटर और यहां लिखा स्काई। और फिर मैंने जो कुंडलिनी का जो मूवमेंट दे रखा था कि कुंडलिनी सबसे पहले मूलाधार में होती है, मूलाधार में चार अल्फाबेट होते हैं, ऐसे करके मैं वो सारे अल्फाबेट्स पे निशान लगाता गया और टोटल अल्फाबेट्स मेरे विशुद्धि चक्र तक जाते जाते मेरे सारे अल्फाबेट्स आ गए मेरे सामने। जब वो सारे अल्फाबेट्स मेरे सामने आए तो आई स्कैंड विच वॉज द रेलिवेंट प्रोसेस। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं वहां पर देख रहा था कि ये मूलाधार चक्र में चार अल्फाबेट्स थे और वो चार के चार अल्फाबेट्स वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रहे, बट मैंने जैसे ही ये नौ अल्फाबेट्स को एक साथ कनेक्ट करा तो मुझे जो कनेक्टिंग कॉर्ड जो थी वो एयर एलिमेंट था। एयर एलिमेंट पूरे उसमें इन सारे अल्फाबेट्स को बांध रहा था, यहाँ फायर एलिमेंट इन 11 को बांध रहा था, ये 9, ये अर्थ एलिमेंट इन 11 को बांध रहा था, ये वाटर एलिमेंट इन 9 को बांध रहा था, ये स्काई एलिमेंट इन 11 को बांध रहा था, और मेरा स्ट्रक्चर जो है वो बंध के मेरे सामने आ गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मुझे तंत्राज तंत्र में मिला, लास्ट में दे रखा ये स्ट्रक्चर उन्होंने। थोड़ी सी एम्बिगिटीज हैं जो मैंने चेंज करके ठीक कर ली, बट हियर इट इज ए वेरी मीनिंगफुल प्रोसेस टू मेक एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज ए चक्रा। चक्रा इज व्हाट विच इज बाइंडेड अराउंड एन एलिमेंट। तो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर आया वो स्ट्रक्चर ऑफ अप्रोच वाज वेरी वेरी लॉजिकल। लॉजिकल प्रोसेस मुझे किसने बताया? वो चक्रा ने खुद बताया। तो जब कोई उससे बात कर ही नहीं रहा तो उसे क्या जरूरत है अपने आप को बताने की? लेकिन बात करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। सर तरीके की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है। कल ही तो मैंने बोला ना कि वो प्री कंसीव नोशन जो होता है ना, मतलब मैंने आई एम इम्प्रेगनेटेड विथ थॉट्स, मुझे पहले दिन से जो बताया गया और उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं करा। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तभी तो, मतलब मैं शुक्ला जी से कुछ पूछूं ही नहीं तो होगा क्या? अगर आप अपने गुरु से प्रश्न नहीं करेंगे तो होगा क्या? हाँ तो धीरे क्या होगा धीरे सिंपल। धीरे धीरे जो आपने सुना है लेकिन उसी को ही फॉलो करते रहेंगे ना। सही बात है। यहां देखो ना, मैं यहां पर छोटी से चीज हया वर ला या आ ई उ, इन छोटे छोटे अल्फाबेट्स को भी क्वेश्चन कर रहा हूं कि तुम बने कैसे। हो सकता है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन निकले, और हो सकता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कभी ना भी करे हो, बट यही काम है कि मैंने कोई चीज करी वो मैं दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं मेरी क्वेश्चनिंग प्रोसेस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं सो दैट कि हो सकता है कुछ बहुत लॉजिकल निकल आए बाहर, और जब वो लॉजिकल प्रोसेस बाहर निकलता है, जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ में वो श्री विद्या के उसमें 100 के ऊपर बीज मंत्र लिख दिए, उसकी एनर्जी आप स्कैन करके देखिए इमेज की जो मैंने कल शेयर करा था इमेज।
ये बढ़ भी रही है और गोल्डन जैसे कलर की होती जा रही है। यही वाला है। अब इसको जब भी एनर्जी उठाएं वो अपने भीतर डाल लिया करें, बाय डिफॉल्ट इस प्रैक्टिस को डिफाइन कर लें, सो दैट कि जो कुछ भी आपके अनकॉन्शियस डोमेन में है वो कॉन्शियस डोमेन में कन्वर्ट हो जाए। ये तो कल भी किया था, लेकिन मैं शायद बैकअप नहीं लिख सका। तो यहां पर मैंने इस शीट में ये हाईलाइट करा कि जब मैं बीज मंत्र बना रहा हूं तो मैं वो बनाने की प्रक्रिया को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरे शरीर के भीतर चक्र है मैंने मान लिया, पर वो चक्र जो है जैसे एक इंजन में गियर सिस्टम होता है, वो चक्र आपस में कनेक्टेड है। जब वो चक्र आपस में कनेक्टेड है तो एक के मूवमेंट से दूसरा मूव होता है, दूसरे तीसरा मूव होता है। इस तरीके से मैंने यहां पर क्या करा, मैंने म ये एक सेकंड मैंने क्या करा, म श और क्ष को कंबाइन कर दिया थोड़ी देर के लिए, त ल ग्यारह अ ग्यारह य र व, इसको मैंने कंबाइन करा और इसको दो एक्सिस पे बना दिया, फिर से माँ लिख दिया ऐसे। तो ऐसे करके मेरा ये जो बीज मंत्र है जो यहाँ पे देख रहे हैं, म शक्षी, तो ये म शक्ष ये यहाँ पर आ गया, म मति यहाँ पर आ गया, नी यहाँ पर आ गया। सो लाइकवाइज ये बीज मंत्र बनने लगे। अब इन सबके आगे मैंने षटकोण का श और ये क्षत्रिय वाले श का कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो मेरे पास बीज मंत्र आ गया यहाँ पर। ये मेरी बीज मंत्र बनने के प्रोसेस इस तरह से आए कि मेरी हर चीज मेरे दो चक्रों से कनेक्टेड है, सहस्त्रार चक्र और लंबिकाग्र चक्र। तो मैं अगर अल्फाबेटिकल मैपिंग कर रहा हूं तो मेरे शरीर के भीतर की अल्फाबेटिक, और मैं इसी प्रोसेस से दसियों हजार बीज मंत्र बना सकता हूं। बट बीज मंत्र ओरिजिनेट कहां से हुए, बीज मंत्र त्वशनी लक्ष्मी सत्यई शो, इन चारों के अल्फाबेट्स को मैंने कॉमन आइडेंटिफाई करा और यही नौ अल्फाबेट्स निकले। अगर मैं इन चार को वैसे देखूंगा तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये चार कहां से बने, ये लक्ष्मी, तो त्वश्री जो है वो मेरा ओरिजिन पॉइंट का आएगा, लक्ष्मी त्वमश्री तमशी, इस तरह से हाँ मेरा जो है वो और पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। यहां पर जो है लक्ष्मी तोमश्री तमसी जब मैंने लिखा तो ये एक को मैंने महालक्ष्मी माना, एक को महासरस्वती, एक को जो है मैंने वो महाकाली या महासती माना। अब आप ये तीन बीज मंत्र स्कैन करेंगे, ये भी आपको उन चार से ज्यादा पावरफुल एनर्जी देगा। फिर जो ऊपर वाले मैंने हैं। हाँ ये जो है त्वमश्री लक्ष्मी सत्य शौ जो है, इससे हाँ और नीचे डिफरेंट एनर्जी पैटर्न यहां पर मिलेगा। अल्फाबेट सेम है, मैंने नौ अल्फाबेट्स में कोई चेंज नहीं करा। जो ये नीचे के बीज मंत्र बने हुए हैं, जो ये त्वश्री लक्ष्मी सत्य शो बना हुआ है और लक्ष्मी तुमश्री तमशी जो है ये बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बीज मंत्र बनाया, तो म ल य श नीचे श रहे और मात्रा अनुस्वार। श्री। हाँ तो महालक्ष्मी अब आप इसको स्कैन करेंगे, इसमें नौ के नौ अल्फाबेट्स हैं, इसकी मल्टीपल ऑर्डर बन सकते हैं।
ये श्री आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, हर अल्फाबेट के बाद. तो देर कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग दिस. ये तो मैंने एक एस्पेक्ट को समझ में आया तो इस तरह से इसको लिख दिया. तो म ह ल य श श्री. अब आप इसको स्कैन करके देख लीजिए. ये तो मेरे उस होमवर्क में भी है, सबसे पहला वाला, जिसमें वो मुझे 9 बार लिखने हैं। राइट. अच्छा, जैसे जैसे ये जो इसका ये बनाने का ये प्रोसीजर क्लियर होता चला जा रहा है, वैसे ही जो आकृति उभरती है, तो जैसे वो पुराने वाला टाइप राइटर था ना, वो ऐसे ऐसे वो अक्षर करता था, तो ऐसे कहीं ना कोई अक्षर ऐसे आता आ रहा है। पहले नहीं आता था, अभी वो आकृति में वो अक्षर भी आ रहा है। तो ये मेरा इल्यूजन है या ये जो मंत्र मैं रोज उठा के डालता हूँ, ये उसका प्रभाव है? देखिए, जानकारी अपने आप में एक पावर होती है. अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो वो जानना जो है वो आपको ताकत देता है. अगर आज आप मोदी जी को जानते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई सामने वाला कहाँ तक जाएगा, मैं तो मोदी तक जा सकता हूं ना. तो सही बात है। जानकारी जो है उसमें अपने आप ही बहुत विलक्षण शक्ति होती है. प्रक्रिया को जानकर करना और अनजाने में करने में यही फर्क होता है. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ, मैं उसे समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने उस चीज से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है। जो हमारे ये जो तीन बीज मंत्र है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती के, और ये वाला जो चौथा बीज मंत्र है, ये तो चलो मैंने बना लिया. ये मेरे को बाद में समझ में आया कि क्रिएटर की, जो मास्टर क्रिएटर है, उसकी कितनी फॉर्म हो सकती है, कितनी फॉर्म हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मंत्र को रिप्लेस करूं चामुंडा मंत्र से, तो वो मंत्र क्या है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करा, उसमें भी ये 9 अल्फाबेट्स कॉमन है, क्योंकि मैंने एम मतलब एम महासरस्वती के तौर पे माना, तो मैंने महासरस्वती का बीज मंत्र जोड़ दिया. फिर महालक्ष्मी माना, उसको जोड़ दिया. फिर महाकाली या महासती माना, उसको जोड़ दिया. तो ये तीन तो कॉमन हो गए. तो यानी कि ये बीज मंत्र जो मेरे राइट साइड में लिखा हुआ है, त्वमाल्य यशक्श्री जो है, इसके आगे अब उसमें मंत्र के अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा अल्फाबेट है, च है, य है, एम रीम क्लीम चामुंडा ण है, हाँ, और डाय चामुंडाए, एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे विच्चे. ये हाँ ठीक है, आ गए. तो अब ये चार जो है, मैं इसको अगर इसी वाले में जोड़ूंगा तो मैं इसे कैसे जोड़ूंगा, य च ण आधा ण ड अंचंड, और ये यहाँ पे एक सेकंड. अंचंड त्वमहल्य यशक्षरी आ गया. ठीक है, पहले 9 अल्फाबेट तो कॉमन थे, ये चार और जुड़ गए, 9 और 4 13 हो गए. तेरह तो कैसे इसको कैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब? सर, एक्चुअली वैसे प्रोनंसिएशन इज नॉट द एरिया हियर टू एक्सप्लोर, बट मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, अनचंड त्वमहल्य यशक्षरी. अनचंड त्वमहल्य यशक्षरी. तो जब मैंने ये इस अब इसकी स्कैनिंग करके देखिए आप,
you can feel very strong vibrations in your hand, extremely, extremely strong. अच्छा इस वाले प्रोसेस में तो जब भी आप कोई चीज इसको स्कैन करते हैं ना, इसको उठाकर अपने भीतर डाल लिया करिए। अच्छा एक एक चीज और बहुत अच्छी हो रही है शुक्ला जी सर, जी कि बताइए। जब अभी वो एनर्जी ऐसे उठा के अपने में डालते हैं, अभी वो जो पूरा प्रोसीजर है कि पहले खुद में डालना है, फिर पत्नी में डालना है, फिर ये, फिर वो, और बच्चों में 3 3 बार डालना है, तो पहले क्या होता था, हालांकि मैं रोज सूर्य नमस्कार वगैरह करता हूँ और मुझे लगता है कि कोई वीकनेस नहीं है मेरे शोल्डर में, लेकिन अब जो वो 1.25 लाख और ये मंत्रों को उठा के डालते हैं ना, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे शोल्डर के वो महसूस होता है कि जैसे कोई वेट उठा रहे हैं, जबकि हाथ के सामने तो कुछ भी नहीं है। राइट तो वो पहले मान लिया एक बार ऐसे उठाया, वो प्रैक्टिस है तो इतना वेट तो है नहीं, खाली हाथ है, बस ऐसे हाथ जा ही रहे हैं वो, और सुबह को शोल्डर रोटेशन ये वो सूर्य नमस्कार, वो सारा प्रोसीजर डेली है रूटीन में, और बॉडी भी कहीं से कोई वीक नहीं है, बाकी सारे काम करती है तो ठीक है, लेकिन अभी उसका वेट महसूस होता है। right. अब भारत माता की जय जय। आप जब यही प्रोसेस 1 साल तक करेंगे और पैरेलली 1.25 लाख की बजाय 10 लाख बीज मंत्र कर लेंगे, तो 10 लाख बीज मंत्र को उठाने जितनी आपके हाथों के अंदर शक्ति आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस इंटेंस एनर्जी को किसी भी व्यक्ति के शरीर के भीतर डालने को ही मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं हम। जब डॉक्टर जब इतनी फिनोमिनल एनर्जी हो कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आपके सामने छोटी पड़ जाए, उसके रोग तुरंत रास्ता छोड़ देंगे। इसलिए डॉक्टर आरती कहती हैं कि कभी भी जब तक आप इतने इतने शक्तिशाली पहलवान ना हो जाएं कि 10 लाख बीज मंत्र की ऊर्जा उठाकर किसी में डाल सके, तो उतनी आपकी डिफेंडिंग स्पेस भी हो गई, फिर सामने वाला आपको काउंटर नहीं कर पाएगा। और ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। आप 10 लाख बीज मंत्र, 1 करोड़ बीज मंत्र अपने जीवन भर में जब तक आप लिखना चाहें उसको लिखते रह सकते हैं, बट वो ऊर्जा जो है आपके भीतर जागृत होती जाती है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल रीजन विच आई रियलाइज्ड कि जो प्राणिक हीलर्स हैं उनको उतना मतलब एनर्जी को स्कैन करना एक पार्ट हो गया, उतना इंटेंस एनर्जी को अपने भीतर इन्वोक करना कि आप किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये पार्ट मिसिंग है। इसलिए जो लोग लंबे समय तक किसी भी तरीके की हीलिंग करते हैं, बाद में उनके पास इतना नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और वो हटा नहीं पाते, तो एज अ रिजल्ट उनके पास में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके पास में रिलेशनशिप इश्यूज, उनके पास में क्या कहते हैं उसको, हेल्थ इश्यूज, ये सारे आ जाते हैं। मंत्र को लिखना जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी बड़ी से बड़ी ऊर्जा को आपके भीतर जागृत कर रहा है। आप सोचो कि अगर आप एक बीज मंत्र लिख रहे हो और उसको चैंट कर रहे हो, दोनों में शरीर में कितना इंपैक्ट हो रहा है। आपने पेन उठाया, पेन पकड़ा, अल्फाबेट को देखा, आंखें इन्वॉल्व हो गई, उसके बाद फोकस करके उसको लिखा, तो कितना परसेंट ब्रेन का यूटिलाइजेशन हुआ, उन सारी जगहों पर उस मंत्र की ऊर्जा चली गई। वेयर एज जब आपने मंत्र को केवल चैंट करा तो सिर्फ एक ही डोमेन में एनर्जी रही और ब्रेन का भी एक ही लोब इंपैक्ट हुआ। Whereas मंत्र को लिखने से आपके मल्टीपल लोब्स इंपैक्ट हो रहे हैं। जब ये प्रोसेस चला तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम मेजर पोर्शन से तो दूर जा रहे हैं। तो फिर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐसा मिल भी गया जहां पर ये प्रूव हो गया कि मंत्र को स्कैन करना जो है वो उसके डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के अंदर जो है मंत्र को चैंट करने में ऊर्जा घटती है और मंत्र को चैंट ना करके लिखने से ऊर्जा बढ़ती है।
अच्छा, इसमें जैसे वो वाचिक, मानसिक, उपांशिक वचांट होती है, तो जी उसमें जो उपांशिक है जिसमें सिर्फ उसको ध्यान किया जाता है, उच्चारण भी नहीं किया जाता, होठ भी नहीं हिलाए जाते, तो वो ज्यादा वो है, इफेक्टिव है, या ये तीनों में से ही लॉस होगा? चैंटिंग किसी भी प्रकार का हो, चाहे वाचिक मानसिक हो, चाहे मानसिक जब मानसिक, उपांशिक हो। मानसिक जब हमारे में से किसी को नहीं आता करना, अच्छा, उसका तरीका है कुछ, आपको आइडिया है? अब जब लिखते हैं तो वास्तविक मानसिक जप होता है, अच्छा, लिखना ही वास्तविक मानसिक जप है। आज के टर्म्स में, क्योंकि मेरे पास मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मानसिक जाप करने की कैपेबिलिटी रखता हो। मेरे लेकिन गुरुजी उसका भी जब वो ध्यान लगाते थे तो वो कहते थे कि जब डीप समाधि जिसको कहते हैं, जिसमें शरीर में कुछ भी नहीं चलता, उस डोमेन में जाने के बाद में जो है ये पूरा प्रोसेस इन्वोक होता है। अब हमारे जानकार कितने साधु ऐसे हैं जो गुफाओं में महीनों के हिसाब से रहे हो, तो उतनी डीप समाधि लेना करना जो है जब वो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, उसमें खास तौर पे लिखा हुआ है जो उच्चारण करते हैं हम मंत्र का, उसको जो है वो भूत प्रेत जो है वो ले जाते हैं। एक्चुअली बहुत से बीज मंत्र साइलेंटली साइलेंट हो जाते हैं। जब हमने हवन में भी देखा, जब चंडी का हवन होता है, साइलेंट जब जब चांट करते रहते हैं, साइलेंटली दे गो साइलेंट एंड ओनली से स्वाहा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई दे डोंट वांट टू, बिकॉज दे विल नॉट चांट वेरी लाउडली, दे विल जस्ट चांट विद इन देमसेल्व्स एंड देन डू स्वाहा। जब सर हमारा क्या होता है, हमारे जैसे मंत्र के आखिर में स्वाहा होता है, तो वो मंत्र जो है हम अग्नि को समर्पित करते हैं। जब स्वधा होता है तो वो जल को समर्पित करते हैं। हुम फट होता है तो वो आकाश को समर्पित करते हैं। इस तरीके से वो पंच तत्वों को मंत्र समर्पित करने की हमारे यहाँ प्रक्रिया थी। जैसे नहीं बोलते हुम फट स्वाहा, मतलब मैं मंत्र डाल अग्नि में रहूं पर वो आकाश में जाए, तो इस तरीके से वो मंत्र की ऊर्जा को फिनोमिनल करने का एक अप्रोच प्रोसेस था। अप्रोच भी था। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन दे वर चांटिंग सर्टेन वेरी सेक्रेट बीज मंत्रस, दे जस्ट नॉट बिकॉज एवरीबडी शुड बी एबल टू हियर दैट, दे जस्ट वेंट साइलेंट एंड देन ओनली व्हेन द स्वाहा कम्स दे विल डू द स्वाहा इन ऐसे काफी मंत्र है, मतलब वो मैंने भी देखा है इस चीज को होते हुए। ऑब्जर्वेशन में मेरे एकदम से अभी कनेक्ट हुआ जब आपने बोला, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, वो लोग जो हैं, करते हैं। बिकॉज जब आप कुछ बोलते मंत्र हैं ऐसे कि होते हैं जो वो बिकॉज करते हैं। आई थिंक दे टेक दैट मंत्रस इनटू देमसेल्व्स एंड देन विजुअलाइज दैट एंड देन पुट द स्वाहा टू इन द अग्नि, बिकॉज दिस इज व्हाट वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स टोल्ड मी दैट द मंत्र इज टू बी अब्सॉर्ब विद इन योर सेल्फ, यू बिकम दैट एंड यू ऑफर दैट टू अग्नि। सर, हमारे यहाँ प्रोसेस क्या था ना, गुरुजी जिन्होंने रिसर्च करी गुफाओं में और तपस्या करी, उनको ये संकल्प दिया जाता था कि आप किसी भी अपात्र को ये विद्या नहीं हाँ, बताएंगे। सही सही। अब गुरुजी को लायक चेला नहीं मिला, धीरे धीरे वो विद्या और गुरुजी भी निमट गए, तो वो पूरी विद्या जो है वो ही विलुप्त हो गई। तो जब मैंने ये एक दफे मेरे मेरे गुरुजी से डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, ये जो है ये गुप्त मंत्र हैं। जब वो मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था तो वहां पर वो गुप्त है, ये किसी को बताए नहीं जाते हैं, ऑल दैट वॉज रिटन देयर। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी को कि मेरे को बड़ा मन होता है ये सब देखने पढ़ने का, तो उन्होंने कहा तो पढ़, तुझे कौन मना कर रहा है? मैंने कहा कोई चीज पढ़ो और वो गुप्त हो, किसी को बताओ नहीं, तो फायदा ही क्या है ऐसे रास्ते पे चलने का, मेरे को नहीं चलना। तो बोले तू पढ़ और तू इसी बात को लेकर ही पढ़ कि मैं जितने भी रहस्य जानता हूं वो मैं सबको बता सकूं। तो बोले जब तू पढ़ेगा तो तेरे को वो चीजें जो है, देन आई मेड इट
फिर मेरे को एक स्टोरी मिली थी ब्रह्म राक्षस की। तो वो ब्रह्म राक्षस क्या होता है, जब कोई ब्राह्मण ब्राह्मण इन द फर्स्ट प्लेस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कर लेता है, अर्जित करने के बाद वो बिना किसी दूसरे को सिखाए मर जाए, किसी भी कारण से मरे, इवन इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब उसको वेट करना होगा कि कब दूसरा व्यक्ति जिसको वो इम्पैक्ट करे और वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, तब तक वो उस व्यक्ति के इर्द गिर्द उसके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहता है। तो जब मुझे पता चला कि मतलब इंट्यूटिवली कोई इस तरह की एंटिटी मेरे पास भी थी बहुत टाइम पहले, तो मैंने कहा मैं कोई रहस्य अपने तक रखूंगा ही नहीं, मैं जो भी जानूंगा जैसे ही आज जाना वो मैं तुरंत ही बता दूंगा। तो अब जो भी मुझे मिलता मैं उसको सबसे पहले वही चीज बताता, क्योंकि मैं जान लूं और फिर मैं भूत बन के दौड़ता रहूं वो मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तुरंत बता देता हूं कि हाँ भाई ये वाला पार्ट है। और बताने के साथ साथ डिजिटल हिस्ट्री भी बना देते हो। हाँ मतलब वो वीडियो पे आ गई, पब्लिश हो गई, मेरा काम खत्म हो गया। अब वो नेचर का काम है कौन किसको किससे कनेक्ट कर रहा है। भाई आप दोनों देख